पर अब बच्चों के बाद आई थिंक प्रेगनेंसी में जो आप पुट ऑन करते हैं ना वो बड़ा खौफनाक है, मेरे केस में तो बहुत ज्यादा, तो उसको टाइम लगता है लूज करते करते. लेकिन थायराइड क्योंकि मुझे है तो उसकी वजह से भी अप एंड डाउन रहता है वेट. अच्छा, तो ये तो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए. ये नहीं कि एक बार उतारा तो नेचुरली स्लिम लाइक यू चल रहे हैं सालों साल एक ही उस पर, वो नहीं है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत. तो वो मेहनत क्या है जो आप थोड़ा सा तो शेयर करो? एक्सरसाइज है, जिम है? मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरे जिम गए हुए 2 साल हो गए हैं. अच्छा. हाँ. नहीं, वो भी मेरी बैक की वजह से. मेरा बैक का थोड़ा मसला था, स्लिप डिस्क का था. मगर आप तो गोल्फ खेला करती थी. हाँ ना यार, मैं बहुत फिट थी. लेकिन बस अब मेरी कमर रह गई, और वो भी फैमिली कंडीशन है. इट्स कॉल्ड दी डीजेनरेटिव बोन डिजीज, जिसमें अब्बा की तरफ से बस है कि आपकी बोन्स थोड़ी वीक होने शुरू हो जाती हैं, मेरी बैक बोन. और हमेशा जिम जाती हूँ तो उसके बाद 2 हफ्ते बेड रेस्ट. तो देन हाउ यू मैनेज, वजन कैसे आप मैनेज करते हैं विदाउट जिम? जिम से वेट नहीं कम होता. मुझे आपकी टोन अप तो होती है, आप थोड़ा सा टोन अप होते हैं, बहुत अच्छी चीज है. मैं रनर थी लेकिन मेरा वेट नहीं कम हुआ. ठीक है. मैं इतनी रनिंग की, मैं 1-1 घंटा रोज भागती थी, मेरा 1 पाउंड नहीं कम हुआ. तो फिर वजन कम करने मुंह बंद करने से, आज सिर्फ खाली पराठा खाते हैं. मुंह बंद करने से सीधी बात है, इट्स नथिंग एल्स. आप कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं. आप मुंह बंद करेंगे आपका वजन गिरेगा. उससे जिम का कोई ताल्लुक नहीं. जिम से आप वो है टोन होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जिम करके कोई पतला नहीं होता. तो अच्छा, मुंह बंद करने का मतलब कुछ नहीं खाना पीना? बहुत कम खाना होता है, हम लोगों को जरूरत ही नहीं है. मैं देखो जिम नहीं कर रही, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मुझे मेरे कोई राइट ही नहीं बनता कि मैं 700-800 कैलोरी ज्यादा क्या खाऊं, क्योंकि मेरी एक्टिविटी बहुत कम है. तो सुबह नाश्ता क्या होता है? नाश्ता मेरा होता है पॉरेज, मूजली, इनमें से कोई एक चीज, या फिर स्मूदी. और मेरा स्मूदी बहुत फिलिंग होता है. स्मूदी में क्या क्या डलता है? स्मूदी में मैं बल्कि अगर वो होता तो मैं बना देती. मैं बेरीज बहुत यूज करती हूँ क्योंकि बहुत कमाल चीज है यार, स्पेशली औरतों के लिए. स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रेस्बेरीज यहाँ मिलती है, जरा कम है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज तो मेरे हमारे यहाँ अच्छी मिलती है. स्ट्रॉबेरीज, योगर्ट, ओट्स, वो उसको योगर्ट होगी, थोड़ा सा मिल्क डाल के उसको आपने स्मूदी मेकर में अच्छी तरह ब्लेंड करके उसमें ओट्स जो हैं वो भी डालने हैं, तो इतना फीलिंग है, उसके बाद दिल नहीं करता कुछ खाने का. डन. अच्छा जी, ब्रेक लेंगे यहाँ पे. ब्रेक के बाद, ब्रेक में हम थोड़ा सा चाय का मामला शुरू कर देंगे. चाय में क्या डालेंगे पहले? पानी की पत्ती? पानी ये तो मुझे आता है, चाय है. लेकिन मेरी चाय इतनी बदमजा बनती है, आती मुझे, मैं बना लूंगी. पानी डालें? लेकिन बहुत बुरी है. डाले? हाँ, पानी डालेगा. अब इसमें क्या डालेगा नादिया? यार पता होता तो मैं सादा कपड़े पहन के आती. इतने तो एक कपड़ों का क्या हो रहा है? जैकेट में स्मेल आ जाएगी ना. ओ ये सब चीजों की नहीं आएगी बिल्कुल. अच्छा, इसमें पत्ती डालने जा रही है? हाँ जी. जब हम ब्रेक के बाद आएंगे ना तो नादिया हमें चाय भी बना के पिलाएंगी, और नादिया हमसे कुछ जो वेट वाला मामला है थोड़ा सा गोल किया हम उस पर ज्यादा. नादिया वो तो मैं पूरा दिन बोलूं, मैं आउट स्टाइल पे आप मेरी वीडियोस अगर चेक करें उसमें बहुत कुछ है अबाउट वेट लॉस, कैसे मैंने वेट कम किया, क्या खाती हूँ, क्या स्नैक्स होते हैं. कुछ मेरी जैसी खवातीन है जो नई सोशल मीडिया को इतना वो देखती है और करती है, तो फिर उनको भी तो बता. लेकिन मैं एक बात बताऊं, एंटी एजिंग का सबसे बड़ा राज इज वेट लॉस. अच्छा वाला चरसे पी के नहीं. सॉरी. ओके, वी विल टेक अ ब्रेक. और आ रहे हैं टैबलेट्स खा के नहीं. कि आज हमारी जश्न सुबह बहारा ट्रांसमिशन हो रही है ईद मिलादुन्नबी की खुशी में, रात 9 बजे से लेकर रात गए तक. आपने हमें उसके मेज़बान का नाम बताना है. व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे. जो हमारे 3 लकी विनर्स हैं वो आज खूबसूरत गोल्ड पेंडेंट जो हैं वो जीतने वाले हैं. और मेरे साथ हैं रूबी आपा. अस्सलाम वालेकुम रूबी साहिद. आप डायरेक्टर हैं दमास की और डायमंड ग्रेडर हैं. डायमंड ग्रेडर ये क्या चीज़ होती है? डायमंड ग्रेडर होता है कि जैसे जो डायमंड को ग्रेड करता है कि ये किस क्वालिटी का है, इसकी क्या, इसका क्या कलर है, इसका कट क्या है. अच्छा, हीरे की भी क्वालिटी होती है. इसकी सारी जो उसकी डायमंड की जो जो उसका कट है, उसका हर चीज उसके बारे में, साइज है, फिनिश है, उसका वजन कितना, उसकी फिनिशिंग क्या है, ठीक है, वो मतलब कितनी उसकी इंक्लूजन कितनी है उसके अंदर, हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्ट किया मैं नादिया को तो महल बहुत ज्यादा पता होगा. नहीं, सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफाइड डायमंड होते हैं, उस पे सारी स्पेसिफिकेशन होती है. और आप कैरेट क्लैरिटी डायमंड जब भी खरीदे तो मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट के साथ खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना आप उसे सेल करने जाए जिंदगी में कभी तो कोई खरीदता ही नहीं है. हाँ जी, आपके डायमंड की उसमें ये है कि जो डायमंड का जो सर्टिफिकेट साथ आता है ना वो डायमंड ग्रेडर देता है. ठीक है, क्योंकि जब वो डायमंड को ग्रेड अप करता है और तो फिर वो सारी चीजें वो लिखता है जो सर्टिफिकेट होता है ना साथ डायमंड के, तो वो डायमंड ग्रेडर ही देता है. बिल्कुल सही. अच्छा नादिया, इन्होंने ये जो ब्लैक गाउन पहना हुआ है ना, मुझे इसे नादिया खान के शो के वो दिन याद आ गया जब अजान पैदा होने वाला था ना.
अबाया शो नादिया ने किया था, एक बड़े भरपूर लंबे अरसे बहुत अबायास पहने थे उसने और एक लंबे अरसे तक पहने थे और बड़ा मुश्किल वो टाइम मैनेज करके शो किया था। एंड यू आपने खवातीन को ये मैसेज दिया था कि और मैं ये आप अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ मॉर्निंग शोज को, मॉर्निंग शो होस्ट ने कम से कम ये मैसेज तो जरूर दिया है ना कि यार खवातीन कैन कम एंड दे कैन डू बिल्कुल दे कैन डू वर्क व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल आप अपना अटायर चेंज कर लें लेकिन आप बिल्कुल काम करना बल्कि जरूरी है ताकि बिजी रहें, वरना आप बीमार से हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है हर वक्त सोच सोच के तो फारिग बैठे, तो उसमें तो ज्यादा बिजी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा आपने रिया पर कितना प्यारा गले में नेकलेस पहना हुआ है जो तीन लेयर्स वाला है, ये सारा डायमंड का है? जी ये डायमंड का है। अच्छा और ये डायमंड जो है इसके साथ आपने बाजू में ये जो पहना हुआ है, ये बाजू में मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये स्टिफ ब्रेसलेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिफ ब्रेसलेट। स्टिफ ब्रेसलेट। ये गोल कड़ा नहीं है लेकिन जैसे कि आप लाइट ब्रेसलेट आपने पहना हुआ है, पहना हुआ है। हाँ जी। और इस तरह मैंने ये बड़ी रिंग मैंने पहनी हुई है। रिंग तो बदले, मुझे आपकी वाली रिंग ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे सॉलिटेयर ये वाली नादिया। उसे पूछो कितने कैरेट का है ये डायमंड। पूछो कितने कैरेट का है नादिया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने कैरेट का है ये? 3 कैरेट का है। और इसकी कीमत कितनी का होगी? बस कीमत रहने दो। एक कैरेट को छूता है उसके बाद फिर प्राइस ऊपर ही जाती है, 99 से नीचे ठीक रहती है। मुझे ये वाली रिंग ज्यादा पसंद है, पर चेंज करें रिंग जल्दी से फौरन। लेकिन ये भी रिंग बहुत अच्छी है। ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा सॉलिटेयर वाला डायमंड ज्यादा अच्छा रहता है या जैसे आपने ये बहुत सारे छोटे छोटे को इकट्ठा करके उनको एक सॉलिटेयर की लुक दी? वो सस्ता है ना, ये सस्ता डायमंड छोटे छोटे है उसमें, वो तो बड़ा एक पीस के बारे में आपको बताती हूँ। हीरे की कीमत देखिए, जो सॉलिटेयर होता है वो जो जो डायमंड बड़ा होता जाता है उसकी प्राइस अप होती जाती है। ठीक है। तो आजकल इनविजिबल सेटिंग भी निकली है जिसमें हाँ जिसमें ये है कि आप अपनी ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की सेटिंग्स बदलती रहती हैं, तो जिसमें ये है कि ये ज्वेलरी की सेटिंग उसमें बहुत सारा डायमंड भी लगता है और ये मतलब बड़े डायमंड्स के साथ इनविजिबल है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं इनविजिबल के छोटे डायमंड के साथ होते हैं, कुछ बड़े डायमंड के साथ होते हैं, फिर वो बड़े हीरे की लुक आपको देते हैं। ठीक है। तो बड़े हीरे की अगर आपने लुक लेनी कम पैसों में तो फिर आप इस तरह से उसको सेट करवा सकते हैं जिसमें कि वो छोटे छोटे इकट्ठे करके लगेगा ऐसे ही दूर से देखने वाले को, जिसको नहीं ज्यादा पता। 8 कैरेट का डायमंड है और ये है कि जैसे डमास पे आप जाएंगे तो बहुत लेस प्राइस में आपको, जैसे आपने 1 कैरेट का डायमंड पहना होता है तो आपके कानों में या आपका पेंडेंट या आपकी रिंग इस तरह 1 कैरेट और 2 कैरेट इस तरह की इनविजिबल सेटिंग में और उसकी प्राइस रेडी होती हैं, वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। और आजकल तो फ्लैट 30% 35% ऑफ लगा हुआ है क्योंकि 10th एनिवर्सरी है। कितने दिनों तक है कितने दिनों 16 तक डेज 16 दिन तक 16 दिन 16 दिसंबर तक है। ठीक है। और 35% फ्लैट डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है। कोई जाके ये वाला सॉलिटेयर लेना चाहे उस पे भी 35% है डायमंड ज्वेलरी पे। लेकिन हम लोग सॉलिटेयर्स के ऊपर लेते नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं लेते। अच्छा हमारे जो सॉलिटेयर है उसमें जो आम मार्केट में सर्टिफाइड जो डायमंड है उनसे डिफरेंट है क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी के हैं। अच्छा, तो जब एंट्रॉप से डायमंड निकलता है तो तब पहले मल्टीनेशनल कंपनियों को इनवाइट किया जाता है। नादिया शौक है डायमंड्स ज्वेलरी? मेरी गुम जाती है ज्वेलरी फरा, तो अब मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करती इसमें। मैंने एक दफ़ा आपका मेड्स का भी कोई वो प्रोग्राम देखा था जिसमें मेड्स से भी बड़े शिकवे थे। हाँ मेरी बड़ी चीज़ें चोरी हुई हैं, तो अब मैं बस शौक ही ख़त्म हो गया नया खरीदने का, जो पहली चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्योंकि जब चोरी होती हैं या गुम जाती हैं बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट जो है डायमंड या गोल्ड में बेहतर चीज़ क्या है? ठीक है, ये क्या आपको बेहतर रीसेल किसकी मिलेगी? डायमंड भी उसी तरह है आजकल, क्योंकि पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि जी डायमंड की जो ज्वेलरी है वो मतलब उतनी नहीं बढ़ती उसकी कीमत, नहीं उसी तरह ही आज आप एक सॉलिटेयर 1 कैरेट का खरीदें और अगर साथ संभाल के रखें, सॉलिटेयर की रीसेल है लेकिन ज्वेलरी की भी अगर आप उसी के पास जाएं जिससे आपने खरीदा है। नहीं अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से खरीद रहे हैं तो तब आप दुनिया में जहाँ पे भी जाएंगे तो वो डायमंड आपका उस करंट रेट के ऊपर बिकेगा। मतलब अगर आपने दमास से यहाँ से खरीदा है तो आप दमास की जो पूरी नहीं कहीं भी दुनिया में कहीं भी
क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर के हर चीज आपकी मौजूद है कि कितने परसेंट ऑफ कितना ये डायमंड लगा हुआ है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कड़ा है तो कितना डायमंड लगा हुआ है इसके ऊपर, कितना ये इसके अंदर वो है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका कलर क्या है। व्हाइट गोल्ड में सेटिंग हुई भी है ये सारी? जी ये सारी व्हाइट गोल्ड में सेटिंग हुई हुई है।